वॉर बिटवीन एलन मस्क एंड मार्क जुकरबर्ग। थ्रेड्स नाम का एप्लीकेशन है जो कि इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। ऐप को 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में 1 घंटा लगा। हमने ट्विटर भी बहुत बड़ा यूज करा, हमने थ्रेड्स भी काफी यूज कर लिया जो कि कहा जा रहा है कि ट्विटर की कॉपी है। जस्ट डिक्लेयर वॉर ऑन ट्विटर विद देयर न्यू ऐप थ्रेड्स। है ये कॉपी। मार्क जुकरबर्ग ने एक सोशल मीडिया ऐप लॉन्च करके पूरी दुनिया को हिला दिया है एंड एलन मस्क की नींद गायब कर दी है। ठीक जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीने के ख्याल से आप पेप्सी और कोक में कंफ्यूज होते हैं, वैसे ही थ्रेड और ट्विटर के फीचर्स को देख के हम सबके माइंड्स मिक्स्ड अप हो चुके हैं। एंड नाउ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और इसका एक लाइव एग्जांपल आजकल हम अभी अपने सामने देख रहे हैं। द थ्रेड वर्सेज ट्विटर वॉर, जस्ट लाइक कोक वर्सेज पेप्सी कॉम्पिटिशन। वेलकम टू माई चैनल ग्राप सम ज्ञान, और आज के ज्ञान में हम बात करने वाले हैं मोस्ट ट्रेंडिंग ऐप थ्रेड के बारे में। 5 जुलाई 2023 मेटा ने एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया थ्रेड, विच इज इंस्टाग्राम टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन ऐप, जो बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर मस्टोडॉन की तरह पोस्ट शेयरिंग, टेस्ट शेयरिंग, इमेज और वीडियो शेयरिंग के लिए यूज होता है, और बाकी फीचर्स जैसे रिप्लाई रिपोस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। लेकिन थोड़ी हिस्ट्री चेक करें तो पता चलेगा कि थ्रेड्स फॉर इंस्टाग्राम नया नहीं है। ये अक्टूबर 3, 2019 को लॉन्च हुआ था एज अ वे टू मैसेज और वीडियो चैट विद अदर इंस्टाग्राम यूजर्स, लेकिन इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया एट द एंड ऑफ दिसंबर 2021। व्हाई थ्रेड इज इन हाइप? इतना हाइप होने के पीछे की वजह को समझते हैं। फर्स्टली, दो बड़े मार्केट जाइंट्स के बीच होने वाली राइवलरी से इन दोनों जाइंट्स को कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है, ये हम सब पहले से ही देख चुके हैं। ऐसे कैंपेन्स जो इस राइवलरी को सेलिब्रेट करते हैं, वो किसी भी मार्केट में उन दोनों जाइंट्स को अच्छा प्रॉफिट देते हैं, और ऐसे ही कुछ हमें इस बार सेम देखने को मिला। न्यूज में शुरुआत से ही थ्रेड को ट्विटर का राइवल बता के प्रेजेंट किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि मेटा ट्विटर को टेक डाउन करना चाहता है, और साथ ही कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम ने ट्विटर को कॉपी पेस्ट ही कर दिया है, जस्ट लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्विटर्स हार्डवेयर एंड इंस्टाग्राम सॉफ्टवेयर। सेकेंडली, अक्टूबर 2022 को जब एलन मस्क ने ट्विटर टेक ओवर किया तो उन्होंने काफी सारे पॉलिसी चेंजेस इम्प्लीमेंट कर दिए, जिससे कई प्रॉब्लम आई, जिसमें से एक बड़ा चेंज था ब्लू टिक्स को हटाना और सब्सक्रिप्शन बेस्ड कर देना। थ्रेड्स में ब्लू टिक फ्री है, और आप इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड हैं तो ऑटोमेटिकली आप थ्रेड पर भी वेरीफाइड हो जाते हो। इसके अलावा कई ऐसे फीचर्स हैं थ्रेड पे जो ट्विटर पे नहीं है, जैसे 500 वर्ड्स की लिमिट फॉर शॉर्ट पोस्ट, कॉन्ट्राडिक्टिंग टू 250 वर्ड्स लिमिट फॉर ट्विटर। थर्डली, एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन को विटनेस करने का आइडिया ही इतना एक्साइटेड कर देता है कि कोई भी उसे यूज करना जल्द से जल्द चाहेगा, और थ्रेड्स का ये लॉन्च एक उसी इवेंट की तरह देखा गया है, जहां एक नया टूल लोगों को दे दिया हो जिसमें कुछ फीचर्स जाने पहचाने हो और कुछ फीचर्स नए हो, जिससे कुछ भी किया जा सकता है, और इन्हीं सारी बातों का असर थ्रेड्स के तुरंत लॉन्च के बाद देखा गया। लॉन्च होने के 2 घंटों में ही 2 मिलियन साइनअप्स हो गए, 7 घंटों में वो बढ़ के 10 मिलियन हो गए, 12 घंटों में 30 मिलियन हो गए, और 24 घंटों में 50 मिलियन से भी ज्यादा। अभी 90 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स साइन अप हो चुके हैं इस ऐप पे। इसने तो चैट जीपीटी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि मार्केट में अभी नया ही आया था। डाउनलोड्स के साथ साथ एंगेजमेंट और यूसेज की भी तेजी बढ़ती जा रही है। एंड द कंसर्निंग पार्ट, फॉर मेकिंग अ थ्रेड्स अकाउंट, आपको अपने इंस्टाग्राम को अपने उस थ्रेड अकाउंट से लिंक करना कंपल्सरी है, और थ्रेड्स की अनइंस्टॉलेशन पॉलिसी में मेंशन है कि यूजर मस्ट हैव डिलीट देयर इंस्टाग्राम अकाउंट टू डिलीट देयर थ्रेड्स अकाउंट। इसको लेके काफी आउटरेज होने के बाद एडम मूसर, जो कि इंस्टाग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आप बिना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किए थ्रेड्स अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हो, जिससे प्रोफाइल और उसका कंटेंट हाइड हो जाएगा पर डिलीट नहीं होगा। प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसे फीचर्स होने की वजह से थ्रेड्स का लॉन्च यूरोपियन यूनियन में डिले कर दिया गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग नहीं है। अब असुर वेब सीरीज ने हमें ये तो बता दिया है कि किस तरह इन्फॉर्मेशन
प्राइवेसी इंफ्रिंजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटीग्रेशन और कंबाइंड इफेक्ट के थ्रू ह्यूमैनिटी पे मास अटैक्स किए जा सकते हैं, जिनसे बच पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। मेटा की हिस्ट्री फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक डेटा और प्राइवेसी में कुछ अच्छी नहीं रही है, और ऐसे में ऐसी पॉलिसीज को बनाना कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं दर्शाता है। मेटा और भी प्रोजेक्ट्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, उन्हें इन फ्यूचर इंस्टाग्राम और फेसबुक से मर्ज कर सकता है। इफ एवर थ्रेड्स टेक डाउन ट्विटर, देन सोशल मीडिया और ऑनलाइन वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा पार्ट सिर्फ मेटा ही हैंडल करेगा। एक ऐसी पावर जिसके इस्तेमाल की कोई लिमिट नहीं है। इट कैन बी इजीली यूज्ड फॉर प्रोपेगेंडास, टेकिंग डाउन गवर्नमेंट्स एंड व्हाट नॉट। कमिंग टू द राइवलरी, थ्रेड्स का लॉन्च के कुछ समय बाद ही ट्विटर के लॉयर ने एक लेटर रिलीज किया, जिसमें दे अक्यूज की मेटा ऑफ सिस्टमैटिक एंड अनलॉफुल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स। मतलब ऐप बनाने के लिए मेटा ने ट्रेड सीक्रेट चोरी किए हैं, और एक्स ट्विटर एम्प्लॉयज को डेलिबरेटली हायर करके थ्रेड को डेवलप किया है इन मैटर ऑफ मंथ्स। वहीं दूसरी तरफ मेटा ने इस स्टेटमेंट से डिनाई करा है, और करेंटली थ्रेड्स में अभी कई फीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, जो कि आने वाले अपडेट्स में किए जाएंगे। अभी के लिए मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का ये स्टेटमेंट है कि वो अभी यूजर बेस एक्वायर करने में फोकस कर रहे हैं और मोनेटाइजेशन का प्लान बाद में करेंगे। कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ लॉन्च ऑफ थ्रेड्स वर्सेस ट्विटर की इस राइवलरी में किसकी जीत और किसकी हार को तय कर पाना मुश्किल है। हिस्ट्री की तरफ देखें तो जैसे कोक वर्सेस पेप्सी ने ही आज तक मार्केट एक्वायर कर रखा है कोल्ड ड्रिंक्स का, वैसे ही ट्विटर और थ्रेड्स के फ्यूचर मार्केट का प्रेडिक्शन किया जा सकता है। कई बड़े सेलिब्रिटी यूजर्स अभी तक ऑलरेडी थ्रेड्स पे आ चुके हैं और एक बड़ा फॉलोअर बेस बना चुके हैं, जैसे कि मिस्टर बीस्ट, जो पहले सेलिब्रिटी बन चुके हैं थ्रेड्स पे 1 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस करने वाले। अभी के लिए लोग इस नए टूल को एक्साइटमेंट के साथ ट्राई करने में एंगेज्ड हैं। इनफैक्ट इफ यू आर टायर्ड ऑफ नॉइज एंड क्लटर ऑफ ट्रेडिशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, गिव थ्रेड्स अ ट्राई एंड डिस्कवर अ होल न्यू लेवल ऑफ कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन। और कोई शक की बात नहीं है कि आज थ्रेड्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी स्टे कनेक्टेड विद अवर इनर सर्कल्स। तो अब आप आज के इस ज्ञान की वीडियो देखने के बाद कह सकते हैं कि थ्रेड इज नाउ अ रियल थ्रेड फॉर अ ब्लू बर्ड। नाउ यू ऑल डिसाइड कि अब आप क्या करेंगे, ट्विटर पे ट्वीट या थ्रेड पे साइन अप। सो फ्रेंड्स, आज के ज्ञान के लिए इतना ही, एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग ज्ञान लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ग्रैब सम ज्ञान।